हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग रूम। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में MOTV बोलते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो इसको सबसे पहले दिया था हुंस एंड मुलेकेन नाम के दो साइंटिस्ट ने इन 1932। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है। तो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड वो पोजीशन जहां पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। और अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। से अगर किसी मॉलिक्यूल के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे अगर मैं कोई एटम बनाता हूँ तो ये उसका न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो भी पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वो क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। सेम अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल, तो किसी भी मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस जो होते हैं उनके अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो साइलेंट फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी कॉमन सी बात है, अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कहां पर प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे कहां पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सेम अगर हम बात करें एटम की तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर मेनली प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, सिमेट्री सेम होगी, वो कंबाइन होकर बनाते हैं ऑलवेज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं बोलता हूँ दो एटम्स की बात करता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम, तो ये दो एटम मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे। दोनों सेम एटम है, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की सिमेट्री सेम है और इन्होंने मिलकर बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। आप जानते हैं एटम में क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्फ्लुएंस होंगे उस सिंगल न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिलकर बनता है, यानी उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे किससे, न्यूक्लियस ऑफ मॉलिक्यूल से, यानी दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई से। अगर हम बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल की तो उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है यानी वो मोनोसेंट्रिक है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, और अगर बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तो वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, यानी उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें ये दो एटम का मिलकर बना है तो इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो वो मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे, और वो जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो दो टाइप्स के होंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होंगे जिनमें एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो अनस्टेबल होंगे क्योंकि उनमें एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो आपको भी मैंने बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी कम होती है यानी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एटम के न्यूक्लियाई के अराउंड तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, और सेम अगर मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में काउंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑल्सो फेल्ड
in accordance with the Abbau principle, obeying poly-exclusive principle and Hund's rule. यानी जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी उसी अकॉर्डेंस में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और अकॉर्डेंस किसकी होगी? अहबाउ प्रिंसिपल के, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हुंड रूल प्रिंसिपल एंड हुंड रूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम फॉर्म करते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LCAO। अगर हम इस प्रोसेस को यूज करें, इस मेथड को यूज करें, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे दो हाइड्रोजन एटम जिसका मैंने नाम रखा है ए, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसको हम बोलेंगे बी, और अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा वेव फंक्शन साई ए से, और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी को रिप्रेजेंट करूंगा वेव फंक्शन साई बी से। साई ए और साई बी क्या है? वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और साई बी क्या होगा? साई बी भी सेम वही है। तो अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो मेरा वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो इक्वल होगा मेरा वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से मेरे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। अगर मैं पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिग्मा से, और वो फॉर्म होगा बाय एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए प्लस एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। यानी इनके एडिशन से मेरा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जो कि होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और सेकंड मेरा ऑर्बिटल फॉर्म होगा सिग्मा स्टार, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा साई ए माइनस साई बी से, और मेरा यहां पर फॉर्म होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, यानी वो अनस्टेबल होगा। अगर हम एनर्जी डायग्राम की बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसको हम लोग बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये मेरा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, और ये दूसरा मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं इनको कंबाइन कर रहा हूं, तो मेरे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। और जैसा हमने बोला कि एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो नीचे वाले जो ऑर्बिटल है जिसमें हमारी एनर्जी कम होगी, तो ये होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और ऊपर वाला होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात करें, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, यानी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम, हर मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल ही करना चाहता है। तो क्या होगा, दोनों मिले एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो अगर मैं मेरे H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H2, तो वो होगा सिग्मा 1s2, ठीक है। तो आपको पता चला इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते हैं, कैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस होता है, कैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती है। सबसे पहली कंडीशन है हमारी, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज, यानी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए, तभी वो कंबाइन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल
मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, यानी जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम एक्सटेंट में ओवरलैप होने चाहिए। यानी अगर मैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहा हूं तो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम एक्सटेंट में होनी चाहिए, यानी वो कंप्लीटली अच्छे तरह ओवरलैप होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, यानी मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड उनकी जो सिमेट्री है वो भी सेम रहनी चाहिए, यानी शेप भी सेम रहना चाहिए। जैसे स्फेरिकल हो गया, या अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो डंबल शेप हो गया, तो उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, तभी वो लोग कंबाइन हो पाएंगे प्रॉपरली और हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर डेसिग्नेटेड एज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सेट्रा। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे फॉर्म होते हैं बाय एस एंड पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। याद रखना यहाँ पर हमें सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में ही पढ़ना है। और अगर हम बात करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो वो फॉर्म होते हैं बाय पी एक्स एंड पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल से। यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी फॉर्म होंगे तो वहां पे एस एटॉमिक ऑर्बिटल और पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी फॉर्म होंगे तो वहां पर पी एक्स एंड पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओ टू मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के एटम्स को मिलकर बना है। तो अगर मैं पहले एटम की बात करता हूं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p4। अगर मैं ऑक्सीजन के सेकेंड एटम की बात करता हूं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2, 2s2 और 2p4 होगी। अब जैसा हमने बात किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी बनेंगे जब सेम एनर्जी लेवल रहेगा, तो जरा ध्यान से देखिए दोनों 2-2 ऑर्बिट्स हैं, यानी दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। तो यहां पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम किसका बनाएंगे, 2s और 2p का। तो सबसे पहले मैं s का बनाता हूं, तो ये मेरा एक s ऑर्बिटल है, तो ये रहा हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल s का और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी s का। और यहां से हम दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा हम जानते हैं 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से, तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बचे हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और ये हमारा आ गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। नेक्स्ट है हमारा 2p, तो 2p के लिए अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो अगर मैं p बनाता हूं तो ये हमारा p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये थे हमारे s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। p एटॉमिक ऑर्बिटल से आपको ध्यान रखना है, आप जानते हैं पी एटॉमिक ऑर्बिटल में पी एक्स भी होगा, पी वाई भी होगा और पी जेड भी होगा। और आपको मैंने बताया था पी जेड जो है वो सिग्मा बनाता है और पी एक्स और पी वाई हमारे पाई ऑर्बिटल बनाते हैं। और आपको याद रखना है हमेशा हमारा जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पी वाई और पी एक्स के कंपेरिजन में। तो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊ तो ये होगा हमारा पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर भी हमारा होगा p
पी जेड लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसके बाद अगर मैं पी एक्स और पी वाई की बात करूं तो पी एक्स और पी वाई भी दो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, यानी यहां पर होगा हमारा पाई पी एक्स और ये होगा हमारा पाई पी वाई, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग पाई पी एक्स और एंटी बॉन्डिंग पाई पी वाई। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पी ऑर्बिटल में चार चार इलेक्ट्रॉन्स फिल है, तो एक दो तीन और चार, तो हमें चार चार इलेक्ट्रॉन फिल है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सिग्मा पी जेड में, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सबसे स्टेबल है, इसलिए सबसे नीचे है। तो दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे पी जेड में, एक इस पी से आएगा और एक इस पी से आएगा। उसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होंगे पाई पी एक्स और पाई पी वाई में, तो पाई पी एक्स और पाई पी वाई में भी हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा पाई पी एक्स में, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा पाई पी वाई में, फिर अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा पाई पी एक्स में और फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा पाई पी वाई में। तो टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए? एक दो तीन चार पांच छह, लेकिन टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितने? आठ। तो अब बचा क्या? पाई पी एक्स पाई पी वाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार पी जेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए जरा इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है? सिग्मा स्टार पी जेड, तो इलेक्ट्रॉन इसमें तो फिल होंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज वहां फिल होंगे जहां पे एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पे स्टार्ट होंगे? फिल होने पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई में। कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? दो। तो पहला इलेक्ट्रॉन फिल होगा पाई पी एक्स में और दूसरा होगा पाई पी वाई में, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फिल हो गए। अब आप एक बात याद रखिए, वैसे हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा O2 मॉलिक्यूल होता है वो डाई मैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बात करें तो हमारा O2 मॉलिक्यूल क्या है? देखिए क्या है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पैरा मैग्नेटिक है। आप जानते होंगे डाइमैग्नेटिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं, और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी अगर मैं नोट डाल के लिखता हूं तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 मॉलिक्यूल इज पैरा मैग्नेटिक। साथ में आपको बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म करने के लिए भी आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म करने के लिए आपका एक फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू। तो अगर मैं ऑक्सीजन के लिए निकालता हूं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। तो जरा काउंट करिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, तो एक दो तीन चार पांच छह और सात और आठ, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आठ। अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तो वो है एक दो तीन और चार, यानी चार अपॉन टू, यानी फोर अपॉन टू इज इक्वल टू टू, यानी बॉन्ड ऑर्डर O2 का है टू, यानी O2 मॉलिक्यूल के बीच दो बॉन्ड्स प्रेजेंट है। आप याद रखिए ये जो हमारा एनर्जी लेवल है इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसकी होगी सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस, उसके बाद क्या है सिग्मा पी जेड, और उसके बाद पाई पी एक्स पाई पी वाई, यानी पाई पी एक्स इज इक्वल टू पाई पी वाई, नेक्स्ट पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई,
और उसके बाद नेक्स्ट आएगा सिग्मा स्टार पी जेड। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खाली यूजफुल होगी ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से ऊपर के मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम ऑक्सीजन से नीचे के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स फिल करता हूँ तो सिग्मा 1s में 2 आएंगे, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 आएंगे, सिग्मा 2s में भी 2 आएंगे, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 आएंगे, सिग्मा pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स को 2 और 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 15 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल हमारे 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं N2 मॉलिक्यूल, तो वो हमारा दो नाइट्रोजन एटम को मिलकर बना है, और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, इसकी भी 1s2 2s2 और 2p3। तो अगर इसका भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो जरा ध्यान से देखिए, पहले की बात करें नाइट्रोजन की, तो s एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस s एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे फिल अप करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से आया, अब एक इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों में बचा है वो आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर हम बात करें पी एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो ये हमारा पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी हमारा पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब आपको एक बात यहां पर याद रखनी है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें स्टेबिलिटी जो होती है वो पाई एक्स और पाई वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिग्मा पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। और जबकि पिछले बार आपने जो ऑक्सीजन और उससे अबव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो उनमें सिग्मा 2 पी जेड की एनर्जी हमेशा कम होती है पी एक्स और पी वाई से, यानी सिग्मा 2 पी जेड की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी पाई एक्स और पाई वाई से। इसीलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर स्टेबिलिटी पाई स्टार एक्स और पाई स्टार वाई की ही ज्यादा होती है, और नेक्स्ट सिग्मा स्टार पी जेड की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, और अगर हम 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से पाई एक्स और पाई वाई में आएगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन पाई एक्स और पाई वाई में आएगा। अब इनमें बचेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे और वो फिलअप होंगे सिग्मा पी जेड में, और ये आपका नाइट्रोजन जो है इसका एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए होंगे। अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन में, जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने है 1 और 1 2, यानी टोटल 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया नाइट्रोजन का, 3 हो गया, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर मैं नेचर की बात करता हूं तो नाइट्रोजन का नेचर यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 एंड अबव O2
वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और उसके बाद सिग्मा स्टार टू पी जेड। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन एंड बिलो एन टू मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, अब फिर पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड। लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ है, यहां पर सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरचेंज हो गए, किसमें, ब्लो नाइट्रोजन के लिए। देखिए यहां पर पहले सिग्मा टू पी जेड आ रहा है और बाद में पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देखें तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पहले आ रहा है और सिग्मा टू पी जेड बाद में आ रहा है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहता है, आपको याद रखना है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।